वोट किसको दें? वोट तो किसी को ही नहीं दें तो अच्छा है। कौन सी जमात को वोट देंगे? पीटीआई को। वोट कौन सी पार्टी को देंगे? पीटीआई को। कौन सी जमात को वोट देंगी? पीटीआई। वोट किसका है जी? पीटीआई। वोट किसका है जी? पीटीआई। वोट पीटीआई। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई। वोट किसका है जी? पीटीआई। कौन सी जमात को इस बार आजमाएंगे आप? तरीक इंसाफ को ही भाई। कौन सी जमात को वोट देंगे? पीटीआई को। वोट किसका है जी? पीटीआई। छोटे बड़े हो गए, वोट किसे दोगे? पीटीआई। वोट किसका है जी? पीटीआई का जी। वोट किसका है भाई? पीटीआई। वोट कौन सी पार्टी को देंगे? वोट हम पीटीआई को देंगे। वोट कौन सी पार्टी को देंगे? किसी को भी नहीं। वोट कौन सी पार्टी का? नवाज शरीफ का। वोट कौन सी पार्टी का है जी? किसी को नहीं देना, अल्लाह को वोट देना है। अल्लाह इस मुल्क का कानून सही करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ अशमत बनारस खान। नाजरीन, क्या साल 2023 इलेक्शन का साल है? जी हाँ बिल्कुल, साल 2023 इलेक्शन का साल है। इस वक्त पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इलेक्शन कमीशन एक जानब इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो पीडीएम की सियासी जमातें पहले इलेक्शन में जाने से कतराती थी, क्योंकि ना इनके पास कोई बयानिया था और ना ही इनकी कोई कारकर्दगी थी। लेकिन अब IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के बाद इन्हें लगता है कि ये अवाम में जाने के काबिल हो गए हैं। पीटीआई वाले पहले कह चुके हैं कि हमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं, हम हर वक्त अवाम में जाने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, आज हम अवामी सर्वे करेंगे कि अवाम में कौन सी सियासी पार्टी मकबूल है और अवाम इस बार कौन सी सियासी पार्टी को इलेक्शन में आजमाएंगे और वोट देंगे। कौन सी जमात को वोट देंगे? मेरे ही तरीके इंसाफ। क्या वजह है सर? बिलावल साहब भी तो सरगर्म है सियासत। कोई लीडर नहीं है भाई, ये ऐसे वो पैदाइशी जैसे आवाज़ कहते हैं ना, सोने का चमचा जैसे ले के पैदा हो जाते हैं ना बंदे, इसी तरह ये वो खानदानी चेयरमैनी लेके बाकी अदरवाइज इसमें कोई क्वालिटी तो है कोई नहीं है, बोलना इसको नहीं आता। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? वोट एक ही पार्टी है, नून लीग। अच्छा, क्या वजूहत है? बिलावल साहब भी तो चमकते हुए सितारे हैं सियासत में, पेश हैं, क्यों उनको इग्नोर कर रहे हैं लोग? वो भी सितारे ही हैं ना, मंजे हुए सियासतदान नहीं है। नून लीग वालों ने ना बड़ा काम किया है, उनसे आगे कोई भी नहीं है। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? ऑफ कोर्स पीटीआई को। क्या वजूहत है सर? नवाज शरीफ ने भी तो मोटर वे बनाया बकोले उनके के तरक्याती कामों के जाल बिछाए, तो क्यों नाला नजर आ रहे हैं लोग उनसे? असल में ये है कि मोटर वे हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर मोटर वे की जगह पे इसको सेहत में दे देते तो गरीब के काम आ जाता। अगर मोटर वे की जगह एजुकेशन, आज हम एजुकेटेड होते तो हमें ये मोटर वे फिर हमारे हाथ में हो जाता कि हमने कब क्या चीज़ बनानी है। पहले तो हमारी चीज़ है कि हमें एजुकेटेड होना चाहिए, हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, हमारी हेल्थ होनी चाहिए। वोट किसका है? पीटीआई। वोट किसका है? पीटीआई। वोट पीटीआई। पीटीआई। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई। सर, क्या वजूहत है? ये नून लीग से, पीपल पार्टी से क्यों लोग नाला नजर आ रहे हैं? सर, बस एक ये बात थोड़ी बता देता हूँ कि एक तरफ सारे हैं और एक तरफ वो अकेला है, सिंपल और शॉर्ट बात। अगर अकेला होगा तो वोट देंगे लोग? सर समझे ना बात को, सिर्फ अकेला होने ही काफ़ी है या नहीं, कोई कारकर्दगी भी होनी चाहिए? तो कारकर्दगी तो फिर आप देख लें, ये पिछले 70 ईयर्स से हैं और वो अभी 3-4 साल हुए हैं, कारकर्दगी भी आ जाएगी तो टाइम नहीं उससे। वोट कौन सी पार्टी का? नवाज शरीफ का। बिलावल भी तो चमकता हुआ सितारा है सियासत का, तो क्या कहेंगे लोग? कहते हैं कि वज़ीर आज़म के लिए वो भी उम्मीदवार हैं। सियासत का बच्चा है भाई, अभी छोटा है, सियासत जब सीखेगा तो फिर आएगा, उसने भी आके अपने बाप के ही काम करने हैं और कौन से नए काम करने हैं। कौन सी जमात को वोट देंगे? पीटीआई को। क्या वजूहत है सर? पीटीएम वाले से लोग क्यों नाराज से दिखाई दे? पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी है, वो है पीटीआई। हमारा उम्मीद पीटीआई है, अगर पीटीआई ना हो फिर हम बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। क्या वजूहत है सर? नवाज शरीफ भी तो वापस आ रहे हैं, हालात आपके सामने नजर आ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई इंसाफ किसी को भी नहीं मिल रहा। कौन सी जमात को वोट देंगे? पीटीआई को। वोट किसका है जी? पीटीआई। क्या वजह है सर? बस मोहब्बत है, प्यार है उसके साथ। वोट किसका है जी? वोट नून लीग का जी। क्या वजह है? बिलावल को क्यों नहीं आजमा रहे इस दफा? नहीं, दोनों को नहीं आजमाएंगे, दोनों चोर हैं जी बड़े। ये कहते हैं ये वो सारे, ये असल में खुद चोर हैं जो है ना नून लीग, ये बेहतर है, ये गरीब लोगों का सोच। वोट किसको दें? वोट तो किसी को ही नहीं दें तो अच्छा है। क्या वजूहत हैं? इतनी महंगाई है, इतने बुरे हालात हैं, तो क्या करें, किसको वोट दें? कोई ऐसी जमात नज़र नहीं आ रही आपको जो आके हालात ठीक करे? साथ थे तो, लेकिन उनको तो छोड़ा ही नहीं। कौन सी पार्टी को वोट देंगी? पीटीआई। वोट कौन सी पार्टी को देंगी?
पीटीए को देंगे फिर। क्या वजह सर, बिलावल भी तो चमकता हुआ सितारा है, वो भी तो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। इस हुकूमत ने जो भी हमें सहूलतें दी थी आज तक सेहत कार्ड किसी हुकूमत ने किसी को भी नहीं दिया। वोट कौन सी जमात का है जी? पीटीआई का। क्या वजह है सर, क्यों पीटीएम वाले भी तो कारकर्दगी दिखा रहे हैं अपनी? नहीं नहीं, हम खान साहब के साथ हैं। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई को। क्या वजह है सर? सर वही सही काम करती है और कोई पार्टी सही काम नहीं करती। कौन सी जमात को वोट देंगे? पीटीआई को, खान साहब को। क्या वजह है सर? वो बिलावल साहब भी नौजवान है, मंजे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। असल में हमें लीडर की तलाश थी, ये तो पॉलिटिशियन है, बिजनेस पॉलिटिशियन है ना, ये तो बिजनेस पर्पज से आते हैं। साथ में आपको पता है हमारे जो निज़ाम चलाने वाले हैं सब इनको सब, लेकिन हम पीटीआई के साथ हैं। कौन सी पार्टी को वोट? इस काबल है ही नहीं कोई। वजह? वजह इसलिए कि सब करप्शन है। कोई ऐसी जमात नज़र नहीं आ रही जो आके हालात ठीक करे? कोई ऐसी जमात नज़र नहीं आ रही। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई को जी। क्या वजह है सर, नून लीग और पीटीएम की जमातों से क्यों लोग नाला नज़र आ रहे हैं? ये देख ले मुल्क के हालात इन्होंने क्या कर दिए। वोट कौन सी पार्टी को देंगे? पीटीआई को। क्या वजूहत है सर पीटीएम से? दिल को अच्छा लगता है ये जालिम है। वोट कौन सी पार्टी को देंगे? वोट हम पीटीआई को देंगे। वोट किसके? नून लीग। वोट किसके? नून लीग। वोट कौन सी पार्टी को देंगे? किसी को भी नहीं। वोट किस कौन सी पार्टी को देंगे? वोट मैं किसे नहीं दे। क्या वजूहत है, क्यों नाला नजर आ रहे हैं? गरीबों का सत्यानाश कर छोड़ा, कोई नजर नहीं आ रहा इन हुक्मरानों में। बच्चा नजर ही कोई नहीं आता। कौन सी जमात को वोट देंगे? नून लीग। कौन सी पार्टी को वोट? पीटीआई को। क्या वजूहत है सर, नवाज शरीफ भी तो वापस आ रहे हैं। वापस आ भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट कौन सी पार्टी को देंगे? पीटीआई। पीटीआई को वोट देंगे इंशाल्लाह। क्या वजह है सर, बिलावल साहब पीडीएम काफी अहम रहनुमा और भी है, नहीं आजमाएंगे इस बार? नहीं नहीं, चोरों को हम नहीं आजमाएंगे, हमारे लिए हमारे पीटीआई है बस, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। वोट कौन सी पार्टी का है जी? किसी को नहीं देना, अल्लाह को वोट देना, अल्लाह इस मुल्क का कानून सही करे। पीटीआई। क्या वजह? पीटीआई आएगी। वोट किसका है जी? तहरीक लबैक। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या वजह है सर? मेरी मर्जी, मेरा वोट मेरी मर्जी। नहीं लेकिन ये नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि हमने भी काम करवाए। बात है, वो चोर हैं साले। वोट किसका है जी? पीटीआई जी। वोट हम किसी को भी नहीं देंगे जी, मुल्क के हालात देखे ना, मुल्क के हालात देखे। ऐसी जमात आपको नजर नहीं आ रही? कोई जमात नहीं, किसी को हमने वोट नहीं देने। वोट किसका है? भजन पीटीआई को देना। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मोटरवे बनाए, बिलावल साहब भी सरगर्म है, तो उनको नहीं आजमाएंगे? नहीं नहीं, वोट इस दफा किसी को भी नहीं देंगे। क्या वजह है सर, काफी अहम रहनु? महंगाई बहुत है, पेट्रोल महंगा है, मैं रक्षा चलाता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। वोट किसके है जी? पीटीआई। कौन सी जमात को इस बार आजमाएंगे आप? तहरीक इंसाफ को ही भाई। कौन सी जमात को वोट देंगे? पीटीआई को। वोट किसका है जी? पीटीआई। वोट किसका है? पीटीआई का जी। क्या वजह है सर, क्यों नाला नजर आ रहे हैं पीएमएलएन से आप? यार अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं लगी, अभी तक जो करना चाहिए था इन लोगों को, तो 14 महीने में तो सिर्फ बातें ही हुई हैं। छोटे बड़े हो गए, वोट किसे दोगे? पीटीआई। वोट किसका है जी? पीटीआई का जी। वोट किसका है भाई? पीटीआई। क्या वजह है सर, बिलावल से मुतनफर नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ से, पीएमएलएन से, क्या वजूहत है? इसकी कोई वजह आदमी है, बस दिल का होना। कौन सी पार्टी को वोट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या वजह है सर, लोग क्यों नाला नजर आ रहे हैं पीडीएम की जमातों से? वजह आपके सामने, आप हमसे बेहतर जानते हैं। क्या इमरान को जो मौका मिला था वो जस्टिफाई कर पाए थे 4 साल? उनको काम किसने करने दिया ये बताएं ना आप, उनको तो किसी ने काम करने नहीं दिया, कोई इधर से टांगा खींच रहा था, कोई इधर से खींच रहा था। कौन सी जमात को वोट देंगी? पीटीआई। वोट कौन सी पार्टी का है जी? पीटीआई इंशाल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कौन सी पार्टी को इस बार आजमाएंगे सर इंतखाबात में? पीटीआई। नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले, इस्तेहकाम पार्टी वाले, ये कहाँ जाएंगे? ये तो गरीबों का लोग, गरीब लोगों के लिए ये खून भी चूसती है, गरीब लोग बहुत परेशान है इसी इसकी वजह से। ये पीटीआई है तो कौम के लिए बहुत अच्छा है। वोट किसका जी? वोट पीटीआई का जी। क्या वजह है सर नून लीग वाले से क्यों लोग? वही है, इन्होंने नकाब ओढ़ ओढ़ के आ गए हैं, अंदर चेहरे वही है सब, वो सब वही चेहरे हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, ये आवाम से लूट रहे हैं, आवाम किराया नहीं दे सकती 20-30 रुपये। अब ये हालात हो गए हैं इस मुल्क में, पेट्रोल आपको पता कहाँ चला जाएगा, बिजली कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ चली गई, इनके खर्चे उसी तरह हो रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ के खर्चे, इनके घर बार देखें, अब हैरान हो जाएंगे देख के। वोट कौन सी पार्टी को देंगे? वोट नवाज शरीफ को देना है। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनता देख रहे हैं? इंशाल्लाह बनेंगे। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई को। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई। पीडीएम वाले कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ हमने मुआहदा किया, अब हम आवाम में जाने के काबिल हो गए हैं, तो क्या वो आवाम में जाने के काबिल हैं? इनसे पूछ रहे सबसे, कौन नून लीग को वोट देगा? कोई भी नहीं दे रहा। जी नाज़रीन, लोगों की राय आपने जानी, आज हमने सच डिजिटल की स्क्रीन पे एक आवामी सर्वे किया,
लोग पी डी एम की क्यादत से बिल्कुल मुतनफर नजर आए। लोगों ने कहा कि इनको हम बार बार 70 सालों से आजमा रहे हैं। लोगों की जबान पे एक ही पार्टी का नाम है जिसका नाम है पीटीआई। इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह नगेबान।